काले चीते का पुनर्जन्म और तीन जादुई शेर के बच्चे। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा बगीरा नाम का एक काला चीता था, जो बहुत ही दयालु और ताकतवर था। एक दिन बगीरा अपने दोस्त शेर और शेरनी से मिलने पास के जंगल जाता है। बगीरा जैसे ही जंगल में जाता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे उस जंगल में कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे क्या बात है, ये जंगल इतना अजीब क्यों लग रहा है? कोई जानवर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? यूं सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक शेरनी घायल अवस्था में अपने तीनों बच्चों को लेकर भागी भागी आ रही थी। बगीरा शेरनी की हालत को देखकर घबरा जाता है। अरे शेरनी, क्या हुआ तुम्हें? शेर खान कहाँ है? बगीरा भाई, वो काला शेर मेरे बच्चों के जान के पीछे पड़ा है। इन्हें बचा लो, तुम इन्हें इस जंगल से दूर ले जाओ। बगीरा ये सुनकर चौंक जाता है। अरे कौन है ये काला शेर? वो क्यों तुम्हारे बच्चों के पीछे पड़ा है? और मेरा दोस्त शेर खान कहाँ है? बगीरा भाई, काला शेर एक शैतानी शक्तियों वाला शेर है। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। वो मेरे इन तीनों जुड़वा बच्चों की बलि देकर और भी शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, जिसके चलते उसने शेर को भी मार डाला। अब मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़कर जाऊं? बगीरा, तुम मेरी छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। देखो, वो राक्षस किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तुम मेरे बच्चों को लेकर चले जाओ। यो शेरनी बोली रही थी कि दूर से लोमड़ी चिल्लाते हुए भागी भागी आ रही थी। शेरनी, शेरनी, वो राक्षस इसी ओर आ रहा है। शेरनी, जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। शेरनी आंखों में आंसू लिए बहुत ही दर्द भरे मन से बगीरा की ओर देखती है। बगीरा शेरनी की हालत देख तुरंत बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर काला शेर शेरनी के पास आता है और शेरनी के पास बच्चों को न पाकर गुस्से से कहता है, अरे ओ शेरनी, बता तेरा बच्चा कहाँ है? तूने कहाँ रखा है उन्हें? अरे ओ राक्षस, तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले, मैं अपने बच्चों का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर काला शेर गुस्से से शेरनी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वो उस जंगल के जानवरों से शेरनी के बच्चों का पता पूछने लगा। अगर तुम लोगों ने शेरनी के बच्चों का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। सोच लो, तुम लोगों को अपने बच्चे प्यारे हैं या शेरनी के? देखो, सच में हम में से कोई नहीं जानता कि शेरनी के बच्चे कहाँ है। कृपा करके हम पर रहम करो। पर काला शेर बहुत ही निर्दयी था। वो एक एक करके जानवरों और उनके बच्चों को मारने लगा। ये देख लोमड़ी, रुक जा, छोड़ दो इन मासूम बच्चों को, मैं तुम्हें शेरनी के बच्चों का पता बताती हूँ। अरे लोमड़ी, ये क्या कर रही है तू? घबराओ मत हाथी बहन, इस दरिंदे का अंत आ चुका है। ये राक्षस उन तीनों बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये सुनकर काला शेर गुस्से से दहाड़ मारता है। बंद कर अपनी बकवास और बच्चों का पता बता। लोमड़ी काले शेर को बगीरा के बारे में बताती है। काला शेर लोमड़ी पर वार कर उसे मार डालता है और बच्चों को ढूंढता हुआ बगीरा के जंगल जाता है। काले शेर को देख बगीरा चौंक जाता है। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अरे ओ बगीरा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, बस तू मुझे इन तीनों बच्चों को दे दे। अरे ये तीनों मेरे दोस्त शेर खान की अमानत है, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इन तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है।
सारे जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बगीरा काले शेर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो घायल हो जाता है और मर जाता है। बगीरा की मौत को देख सारे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काला शेर जोर जोर से धाड़ मारते हुए शेरनी के बच्चों के पास जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं इन तीनों को मारकर बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा, फिर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। वो उन बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ एक तेज रोशनी आती है। काला शेर उस रोशनी की ओर देखता है कि तभी उसे वहाँ शेर और शेरनी की आत्माएं नजर आती है। काला शेर उन्हें देखकर घबरा जाता है। क्यों, हमें देखकर घबरा गए? तुमने क्या सोचा कि तुम सबको मारकर ताकतवर बन जाओगे? ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा अंत मेरे तीनों बच्चे करेंगे। क्या, ये तीनों पिल्ले मेरा अंत करेंगे? अरे अच्छा, अच्छे ही मेरे सामने हार गए तो ये तीनों मेरे सामने चींटियों के बराबर है। तुम्हारा ये गुरूर ही तुम्हारा अंत करेगा। यूं शेर और शेरनी अपने तीनों बच्चों को कुछ जादुई शक्तियां देते हैं। शक्तियां मिलते ही वो तीनों बच्चे बहुत ही ताकतवर और बड़े हो जाते हैं। जिन्हें देखकर काले शेर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तीनों बच्चे काले शेर पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। काले शेर के मरते ही बच्चे अपने रूप में आ जाते हैं और बगीरा का पुनः जन्म भी हो जाता है। बगीरा मेरे दोस्त, तुमने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जब भी तुम लोगों पर कोई मुसीबत आएगी तो मेरे तीनों बच्चे अपनी जादुई शक्तियों से उसका सामना करेंगे। हमारे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर शेर और शेरनी गायब हो जाते हैं। बगीरा तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। अनाथ चीते का बच्चा और काला शेर। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही जोरों की आंधी और बारिश शुरू हो गई थी। सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक मादा चीता अपने बच्चे बगीरा को लेकर भाग रही थी। उसका बच्चा बहुत छोटा था, वो भाग भी नहीं पा रहा था। बेटा डरो मत, हम जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। आंधी इतनी जोरों की थी कि बेचारे बगीरा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ, तुम कहाँ हो माँ? यूं वो भागते भागते रुक जाता है। ये देख चीता बच्चे को मुंह में पकड़ लेती है और भागने लगती है। जंगल में हाहाकार मच गया था। चीता को कहीं भी रुकने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो भागते भागते एक झरने के पास चली जाती है। तेज आंधी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक पत्थर से टकराती है और नीचे गिर जाती है कि तभी बगीरा उसके मुंह से छूटकर झरने में गिर जाता है और पानी के बहाव में बहते हुए चला जाता है। बहते पानी में बगीरा को एक टूटे हुए पेड़ का सहारा मिलता है, जिसे पकड़कर वो दूसरे जंगल के किनारे की ओर बढ़ता है कि तभी उस किनारे पर एक बाघ पानी पी रहा था। बाघ की नज़र बगीरा पर पड़ती है। वो बगीरा को पानी से खींच लेता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, चीते का बच्चा, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। बगीरा बहुत डरा हुआ था। वो बाघ को देखकर और भी डर जाता है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। माँ, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अरे ओ बच्चे, मैं दो दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बगीरा रोने लगता है। वो भाग भी नहीं पा रहा था। बाघ बगीरा पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ काला शेर आता है, जो उस जंगल का राजा था। काला शेर बाघ को रोकते हुए कहता है, जाओ, खबरदार, अगर एक कदम भी उस बच्चे की ओर बढ़ाया तो।
अपनी जान की खैर चाहते हो तो छोड़ दो उसे और चले जाओ यहाँ से। बाघ शेर को देखकर डर जाता है। महाराज वो मैं तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, अब चले जाओ यहाँ से। यू शेर जोर की दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन बाघ डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब काला शेर बघीरा से कहता है, बेटा कौन हो तुम? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ता हूँ, यूं जंगल में अकेला घूमना अच्छी बात नहीं है। काले शेर की ये बात सुनकर बघीरा एकदम से रो पड़ता है और सारी बात शेर को बता देता है। ये सुनकर काले शेर की आंखों में आंसू आते हैं। काले शेर की अपनी कोई औलाद नहीं थी। तब वो बघीरा से कहता है, बेटा उदास मत हो, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर बघीरा खुश होता है। काला शेर बघीरा को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है, जहाँ काले शेर की पत्नी बघीरा को देखकर कहती है, ये कौन है, इसे यहाँ क्यों लाए हो? काला शेर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर वो कहती है, अच्छा किया तुमने जो इसे यहाँ ले आए, आज से हम इसके माता पिता बनकर इसकी देखभाल करेंगे। शायद इसीलिए भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी, आज से यही हमारा बेटा है, हम इसे एक अच्छा जानवर बनाएंगे। यूं काला शेर और उसकी पत्नी बघीरा को अपने बेटे की तरह पालने लगते हैं, उसे किसी भी बात की कमी होने नहीं देते। बघीरा भी उन दोनों के साथ बहुत खुश था। दिन ऐसे ही बीत गए। बघीरा अब बड़ा हो चुका था। जंगल के बाकी के जानवर भी बघीरा को शेर और शेरनी का बेटा मानने लगे। काला शेर बघीरा को जंगल का राजा बनाना चाहता था, पर ये बात उसी जंगल में रहने वाले काले चीते को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तब वो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो पागल हो गया है जो एक अनाथ को इस जंगल का राजा बनाने की सोच रहा है। मुझे पहले ही इस बघीरा के बच्चे को मार देना चाहिए था, इसे जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं इस बघीरा को मार डालूंगा, ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। यूं काला चीता बदले की आग में जल रहा था। वो अपने दोस्त लकड़बग्गे से मिलकर बघीरा को मारने की योजना बनाता है। अरे दोस्त, हमें कुछ भी करके इस बघीरा को मारना होगा, नहीं तो वो राजा बनकर हम पर ही हुकूमत चलाएगा, जो मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ सही कहा तुमने, हमें बहुत ही सावधानी से उसे रास्ते से हटाना होगा, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं वो दोनों बघीरा को मारने की योजना बनाते हैं। एक दिन काला शेर किसी काम से पास के जंगल जाता है। ये देख लकड़बग्गा बघीरा के पास भागा भागा जाता है और कहता है, अरे बघीरा जल्दी चलो, महाराज को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया है, हमें उन्हें बचाना होगा। ये सुनकर बघीरा एकदम से चौंक जाता है। क्या, पर कैसे? पिताजी तो पास के जंगल गए थे। अरे तुम सारे सवाल यही करते रहोगे कि चलोगे भी? बघीरा लकड़बग्गे के साथ निकल पड़ता है कि रास्ते में लोमड़ी लकड़बग्गे और बघीरा को एक साथ देखकर अपने मन में सोचती है, अरे ये लकड़बग्गा बघीरा को कहाँ ले जा रहा है, लगता है दाल में कुछ काला है, मुझे जल्द से जल्द ये बात शेरनी को बतानी होगी। यूं लोमड़ी भागते हुए जाकर शेरनी को सारी बात बताती है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है और लोमड़ी के साथ बघीरा को ढूंढते हुए निकलती है। इधर काला शेर अपना काम निपटा कर वापस जंगल की ओर आ रहा था। लकड़बग्गा बघीरा को काले चीते के पास ले जाता है। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, पिताजी कहाँ हैं? अरे ओ बघीरा, तूने क्या सोचा कि तू कहीं और से आकर हम पर राज करेगा और हम देखते रह जाएंगे, आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा।
जो काला चीता और लकड़बग्गा बगीरा पर हमला करते हैं। बगीरा अपनी पूरी ताकत से उन दोनों का सामना कर रहा था कि इसी दौरान काला शेर और शेरनी वहां आ जाते हैं। शेर और शेरनी को देखकर लकड़बग्गा और काला चीता डर जाते हैं। बगीरा सारी बात शेर और शेरनी को बताता है। शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए उन दोनों पर टूट पड़ता है। लकड़बग्गा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल छोड़कर भाग जाता है। शेर चीते को मार डालता है। शेरनी बगीरा को सही सलामत पाकर खुश हो जाती है। काला शेर बगीरा को जंगल का राजा बनाता है।